मोटो जी 54 मैंने परचेस किया था 6 महीने पहले दोस्तों, आज तक मैं यूज कर रहा हूँ, अभी 6 महीने पूरा हो चुका है, इसका रिव्यू करने वाला हूँ। इसमें बहुत सारी कमियां हमको देखने को मिली है, कंपनी हमें इतना बेवकूफ बनाती है, 15,000 के बेस्ट फोन आ जाएगा दोस्तों, इससे भी बेटर फोन आ जाएगा, इसके कमियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, अभी कौन सा मॉडल का फोन यूज कर रहे हैं, क्या आपके कौन सा मॉडल में फोन में मोटो में प्रॉब्लम आ रही है जो मैं बताने वाला हूँ, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये सबसे पहले मैं इसका बता दूँ, हाईलाइट की बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा हीट होता है, ठंड में परचेज किया था तो उतना ज्यादा हीटिंग इशू नहीं आ रहा था ठंड की वजह, जैसे ही मौसम टेम्परेचर गर्मी का मौसम आया बहुत ज्यादा हीट होता। नॉर्मल अगर कॉल पे बात करेंगे, अगर नेट ऑन है तब भी फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है, हीट होता है। वीडियो कॉल अगर आप कर रहे हैं तो वीडियो कॉल पे भी बहुत ज्यादा फोन ये गर्म होता है, बहुत ज्यादा हीट होने लगता है दोस्तों। और चार्जिंग पे लगा के रख देंगे, बैक कवर से निकाल के रखे थे, थोड़ा कम हीट होगा, बैक कवर में रहेगा ज्यादा हीट होता है दोस्तों, ये बहुत सारा नोटिस किया। और हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम और है, जैसे मैं स्क्रीन पे अभी कुछ कर रहा हूँ या गेमिंग कर रहा हूँ, बीच में ही खेल रहा हूँ, साला स्क्रीन ठप हो जाता है यार, काम ही नहीं करता, कुछ भी करता, स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं क्या आपके में इशू ऐसे आता है। और इसके एक नया अपडेट आया, मैंने फोन को अपडेट कर लिया था, उसमें एक इशू और प्रॉब्लम झेलने को रहा है दोस्तों, वाईफाई का सिंपल आ जाता है गेमिंग करते वक्त, या तो मोबाइल हीट होने की वजह से नेटवर्क हट जाता है दोस्तों, गेमिंग हो ही नहीं पाती ठीक से। और इसमें अगर आप 2 GB जो एक्स्ट्रा इंटरनली बढ़ाने को दिया है उसको भी ऑन कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है, फोन वैसा का वैसा वर्क कर रहा है। मैं इसकी कमियों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं लेकर पछता रहा हूँ। हाँ, मीडिया टेक का या डायनेस्टिक का जितना भी प्रोसेसर लगा है फोन में, 100% फोन गर्म होगा, गर्म होगा। आप मीडिया टेक का या डायनेस्टिक का कभी प्रोसेसर वाला फोन मत लीजिएगा, मैं ये बातें जरूर ध्यान रखना, स्नैपड्रैगन या उससे और कोई प्रोसेसर में चले जाना, मगर मीडियाटेक डायनेस्टिक में कभी मत जाना, बहुत घटिया प्रोसेसर होता है और चलते चलते हीट भी होता है, लैग भी करता है, ये फोन लैग भी करता है दोस्तों, 15,000 का फोन है ये, 8 GB 128 GB वाला वेरियंट है, लैग करती है। मैं अगर नेट ऑन करके इसको फोन को यूज करना चाहूँ ना, तो जैसे शुरू शुरू नेट ऑन किया तो इसको लैगिंग शुरू हो जाएगी, देखना मतलब स्मूथली इतना वर्क नहीं करता, मतलब नाम का इसमें प्रोसेसर दिया गया है, इससे अच्छा तो यार 8-10 हज़ार में फोन आ रहा है वो इतना अच्छा वर्क करते हैं फोन जितना ये झिला रहा है दोस्तों। इसमें फीचर्स तो दिया है ठीक ठाक, बट क्वालिटी अंदर की जो सॉफ्टवेयर अपडेट है इसको सुधारें, या तो आप लोग खरीदने को सोचें खरीदिएगा मत ये फोन, आप लोग को चूतिया बनाती है कंपनी। कैमरा बोलते हैं कैमरा इतना VIP OIS वर्क करता है, तो दोस्तों मैंने इसको ट्राई किया OIS में और मैं अपने नॉर्मल फोन से जिससे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो दोनों में कोई डिफरेंट नहीं, तो बस सेकंड फर्क था दोस्तों, OIS नाम का OIS है दोस्तों और कुछ नहीं है। बाकी कैमरा क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं है, 15,000 के बेस्ट फोन में एक से एक नंबर कैमरा फोन आ रहे हैं। फिलहाल मैं इसको यूज कर रहा हूँ, फोन मेरे को अच्छा लग रहा है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, कमियां सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी। आप लोग ये मत कहिएगा मोटो को बायकॉट कर रहे हैं, मोटो इज माय फेवरेट, मोटो को मैं मानता हूँ, बट जो इसका कमियां लग रहा हूँ बता रहा हूँ ताकि आप लोग टैग करें, कंपनी वाले सुधारें इस इशू को। मैं किसी की बुराई या बड़ाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मोटो का फोन में जो कमी है वही बता रहा हूँ, आप लोग गलत वे में मत ले जाइएगा। क्या आपके फोन में भी कोई प्रॉब्लम, कौन सा फोन यूज कर रहे हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। अगर मोटो का कोई भी फोन है क्या ये सब में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि मोटो जी 54 में ही देखने को मिल रही है, कमेंट या टैग करके हमें बताइएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ।